सूरज, आज घर के काम में देर हो गई। कल से थारी बीनी टेम से थारे लिए खाना लेकर आएगी। अब यहाँ खड़ी रहेगी कि सूरज के लिए खाना लगावेगी? जा। छोटू, जा, तू घर जाकर खाना खा ले। जी बाबू, वैसे मुझे भी बहुत भूख लग रही थी। आया। सूरज, जा बेटा, तू भी हाथ मुंह धो ले। बीनणी, सूरज के लिए पानी का लोटा भर दे और खाने की थाली लगा दे। खड़ी के है, थाली वहां है। ये लीजिए ना। देख, खाने के बीच में ही मीठा खिलाएगी? खाइए ना। कोई तो बात है क्या? भावों ने अपनी तिजोरी की चाबी दे दी तुझे? जाओ जी, मेरे प्राणनाथ, आज से ही तो मेरी असली दिवाली मननी शुरू हुई है। देखो ना, आज तक भावों की सारी जली कट्टी बातें मैं सुनती थी। इतनी जली बातें सुनाती थी कि हमारा रंग भी काला पड़ गया, देखो। लेकिन आज, आज पहली बार भाभू ने जेठानी जी को डांटा। और सच बताऊं, ऐसा लगा साक्षात ब्रह्मा जी ने मारे सर पर हाथ रखा है और कहा है, दुख भरे दिन बीते रे बेटा, अब सुख आयो रे। रेंडे बीनणी, सूरज की झूठी थाली उठा और धो दे। नहीं नहीं बाबू, मैं खुद ही रख के आता हूं। नहीं, सूरज भैया, सारे डब्बे तो तैयार हो गए हैं, अब अगर आपका खाना हो गया तो हम माल पहुंचा के आए। छोटू, तू जा, आज तेरी छुट्टी है। छुट्टी? नहीं बाबू, बहुत काम पड़ा है, और वैसे भी इतना सारा माल सूरज भैया अकेले कैसे ले जाएंगे? अभी से आंखों से दिखना बंद हो गया है के? अरे अब थारे भाई जी के साथ थारी भाभी सा भी है। आज भाभी सा जाएगी थारे सूरज भैया के साथ मिठाई पहुंचाने। तू जा। जी। सुन लिया ना बेनी, आज सूरज के साथ तू जाएगी।